नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। तो इतना पानी नहीं आता है जितना पेशाब कर रहा है। चलो तुम सीधे चलो यार। पंप से तो बहुत पानी आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं चला गया, दिख नहीं रहा है। वो देखो यार, बात सुन, तुझे अपनी माँ से बात करनी चाहिए। यार मैं भी बात करना चाहता हूँ, मैंने कोशिश भी की लेकिन वो मानती ही नहीं है। अरे अरे, तो हमेशा गलत आदमी को दिखाता है और मार खिलाता है। नहीं, ये पक्का ना? पक्का है ना? पक्का। तो ठीक है, चल तू कसम खा। माँ की कसम खा। माँ की कसम। बहन की कसम खा। बहन की कसम। अरे दूसरी पत्नी की कसम खा। पत्नी की कसम। अब ठीक है, अब मुझे तुझ पर यकीन है। चल संभल के, संभल के। अरे ये क्या हो रहा है यार? मैं कौन हूँ? क्या बात है बेटा, क्यों रोका? इस लड़की को देखा है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखा? मुझे नहीं पता, नहीं जानता हूँ। चल भाई, सुबह से पेट में बहुत गड़बड़ है भाई। क्या खाया था? दो प्लेट बिरयानी खाई थी बस भाई। अबे ओ भुक्कड़, तूने दो प्लेट बिरयानी खाई? अबे मैं तो कह रहा हूँ तेरे पेट में नहीं पूरे शरीर में दर्द होना चाहिए। भैया चलो घर चलो। मैं नहीं आऊँगा। कह रही हूँ ना घर चलो। मैं नहीं आऊँगा। तुम तो माँ का गुस्सा जानते ही हो ना, तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। भैया घर चलो ना। मैं नहीं आऊँगा, तुम जाओ। माँ तुम्हारा नाम लेने से ही भड़क जाती है, ऐसी क्या गलती कर दी है तुमने? मैंने कोई भी गलती नहीं की है। सुनो दोस्त, बहन बुला रही है ना भाई, घर जाओ। कब तक तुम घर से बाहर रहोगे भाई? ए, तुझे समझ में नहीं आता क्या? वो वहाँ जाएगा तो और प्रॉब्लम होगी। वही तो यार। मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ भैया। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं हमेशा की तरह बाहर खा लूंगा, तुम जाओ। मेरी बातों कभी सुनना ही मत। अरे सुनो तो बेटा, दिख जाएंगे तो काट ही डालूंगा। बारिश होगी, धंधा भी नहीं हुआ। अरे उस दिन दारू के नशे में मैंने गड़बड़ कर दी थी। दारू के नशे में कभी अपने बाप को मारा क्या, या इसे मारा है? मुझे क्यों मारा पहले ये बताओ। दारू के नशे में मैंने मार दिया था, अब क्या करूं यार, गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई? आईडिया आया मुझे, जब बचपन में कोई मारता था तो मेरा बाप उसे 50,000 रुपए लेके माफ करता था। 50,000 रुपया मैं कहाँ से लाऊं? साड़ी बेचूंगा तो भी 2,500 से ज्यादा नहीं पाऊंगा। 500 साइकिल के, 3,000 ले जा, 3,000 ले जा। 3,000? 3,000 भीख मांगा तो ले जा। मुझे से भी दे दे। अरे नहीं, ये मेरी मां की आदत है। नहीं तो मैं एक सेकंड क्यों बोल रही है? निकल ले जा, निकल ले, निकल ले, निकल ले, जा। माजी घर पे नहीं है क्या? नहीं, वो मार्केट गई है। मार्केट गई है? क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। वो मेरी माँ को अस्पताल में भर्ती किया है। 40,000 रुपए जमा करने हैं। माँ की जान खतरे में, इसलिए माजी से पैसे लेने आया था। पता नहीं माजी कब तक आएंगी वापस। मैं चलता हूँ। अरे अरे, एक मिनट रुको। ये लो, जितनी जरूरत है ले लो। पिन नंबर 5211। 5211 ना? बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं चलता हूँ।
मेरी क्या हुआ, भूख लग रही है क्या? तुमने खाना नहीं खाया? आंटी को आने दो। सुनिए, माँ की ऑपरेशन के लिए जो आपने मुझे पैसे दिए थे ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, अब तुम्हारी माँ कैसी है? हाँ माँ अभी ठीक है। मैं आपका कार्ड वापस करने आया था। ठीक है, चलता हूँ। एक मिनट, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हुई तो तुम इतने परेशान हो गए, पर जय तो माँ से बात ही नहीं करता, क्यों? दरअसल उसने किसी को भी बताने के लिए मना किया है। तुम बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। आपने मेरे बुरे समय में मदद की, मेरी माँ की जान बचाई, इसलिए बताता हूँ। वो उस दिन। नमस्ते, नमस्ते, सब ठीक है ना? नमस्ते, ठीक ठीक है, ठीक है ना? हमारी बच्ची की पढ़ाई इसी साल खत्म हो रही है। बड़ी मुश्किल से इसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो करवा दी। अब इसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, बताओ क्या कहती हो? अगर आपको लगता है रिश्ता अच्छा है तो आप बात करके फैसला कर लीजिए ना। लो, जय भी आ गया। हाँ बेटा, क्या बात है पिताजी, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, तुम्हारी बहन के लिए अच्छा रिश्ता आया है, तू क्या कहता है बेटा? आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं पिताजी? ये बात लक्ष्मी से ही पूछिए ना, उसके लिए ज्यादा जरूरी है। और तुम क्या कहती हो बेटी, तुम्हें कोई और लड़का तो पसंद नहीं है? उसी के साथ शादी करवा दूंगा। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जहाँ ठीक समझे तय कर दीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने और तुम्हारी माँ ने लव मैरिज की थी। मैं प्यार का दुश्मन नहीं हूँ बेटी, मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम किसी और को चाहती हो और दिल पे पत्थर रख के किसी और से शादी कर लोगी तो जिंदगी भर कभी सुखी नहीं रह पाओगी, ये मैं नहीं चाहता। अरे रे, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो किसी से प्यार नहीं करती, आप जाइए ना। यही हाँ। ठीक है। साहब जी संभाल के। साहब जी आप मत पिया कीजिए, गांव वाले सब कितनी इज्जत करते हैं आपकी। जब आप पी लेते हैं तो गांव वाले आपसे डरते हैं। आपका ये शराब पीना जरूरी है क्या? आप छोड़ दीजिए साहब। क्या बकवास कर रहा है, चुप रहना। साहब जी यही बात आपके बीवी बच्चे आपसे कहेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे। साहब जी मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप मत पीजिए। साहब जी साहब जी संभाल के। साहब जी मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जो सारे गांव की बहू बेटियों की इज्जत करना सिखाता था, आज उसने अपनी सभी बेटी को बुरी नजर से देखा। ऐसी गलती हुई है मुझसे, मैं पापी हूं, मुझे जीने का कोई हक नहीं। इस शराब ने मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया। कॉफी पी लीजिए। सुनिए ना, उठिए। सुनिए, हाँ
अजीत, ये क्या हुआ? ये क्या?